ने आपको दी है। सिक्सटी, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, शीट नंबर 60 आज आपको मिली होगी ये शीट। इसके अंदर बायट सर्वेट लॉ की एप्लीकेशन है। बायट सर्वेट लॉ के अंदर सबसे पहली चीज इसमें, आगे देखो, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसमें ना स्पाइरल की फॉर्म में करंट कैरिंग लूप्स हैं और इसका इनर रेडियस ए है, आउटर बी है और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आपको बताना है कि इसके सेंटर पे बी क्या होगा। तो रूल नंबर वन कि आप इसको फिगर को थोड़ा बेटर ड्रॉ करो, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आई 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 करंट है और कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं। हम इसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, ये शेडेड पोर्शन है जिसका रेडियस क्या है आर और थिकनेस क्या है डी आर। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां से यहां एन है तो इसके अंदर कितने टर्न्स घूम गए मुझे मालूम नहीं है, वो मैं निकाल के दिखाता हूं। ए से बी रेडियस में डिफरेंस क्या है बी माइनस ए, बी से बी माइनस ए का मतलब यहां से यहां की लेंथ है। तो इतनी लेंथ में बी माइनस ए लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन, वन में कितने एन बाई बी माइनस ए और ये थिकनेस कितनी है डी आर, तो डी आर में कितने हैं एन बाई बी माइनस ए इंटू डी आर, तो यहां डी एन कर लो डी एन। तो हमने क्या निकाल लिया, डी एन निकाल लिया, ठीक है यहां तक। तो डी एन की वैल्यू आ गई सबसे पहले। अब एक काम करेंगे, जो हमने वो शेडेड पोर्शन लिया था डी आर थिकनेस का, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने डी एन, एक काम करते हैं इस शेडेड पोर्शन में से एक लूप ले लेते हैं। एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड रिंग का बोलो क्या होता है सेंटर पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, क्योंकि हमने ये रेडियस क्या लिया इसका आर और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं डीएन। तो टोटल शेडेड एरिया में जितने भी लूप्स हैं वो कितना बी जनरेट करेंगे, इतना बी जनरेट करेंगे। यहां तक क्लियर है। डीएन की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी, डीएन की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी, तो ये टर्म आ गई। इंटीग्रेशन किसमें चल पड़ी, डीआर में। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सारी लूप्स का, तो आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, डीआर में लिमिट आर की लगेगी। तो आर की वैल्यू सबसे पहले लूप की क्या थी ए, आर की वैल्यू सबसे आखिरी लूप की क्या थी बी, तो लिमिट क्या लगेगी ए से लेके बी तक। वन बाय आर की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ आर, एक बार बी एक बार ए दोनों को माइनस, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है लॉग ऑफ बी बाय ए। ये न्यूमेरिकल कई बार वैल्यूज को चेंज कर करके मेडिकल नॉन मेडिकल में आ चुका है, तो कब आएगा मुझे नहीं पता, पर किसी ना किसी सेट में तो किसी ना किसी आई जाएगा, तो बहुत बार आया हुआ है, तो आपको ये सर्कुलर लूप की प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से ये एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर बहुत सारी सर्कुलर लूप्स हैं, कितनी इंफिनिटी इनफाइनाइट लूप्स हैं, तो एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड सो ऑन, और सबका रेडियस भी डिफरेंट है आर टू आर टू स्क्वायर टू क्यूब एंड सो ऑन। तो पहले सर्कल और नेट बी निकालना है सेंटर पे, तो पहला सर्कल बी क्या जनरेट करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, करेक्शन है पाई आई बाय आर, हर में पाई लगाओ, 2 पाई आई बाय आर, पाई आई बाय आर और पाई आई, पाई लगाओ हर में, ठीक है यहां तक। तो पहला लूप सेंटर पे बी क्या जनरेट करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। दूसरा क्या करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय 2 आर, क्योंकि दूसरे का रेडियस 2 आर है, तीसरे का 2 स्क्वायर आर 2 क्यूब आर। अब क्योंकि इसमें करंट कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी कैसे है बाहर, नेक्स्ट में कैसे है क्लॉकवाइज, तो बी कैसे है अंदर, तो नेट भी माइनस होंगे। तो एक चीज याद रखना, पहला बी अगर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव। कॉमन निकाल लो इसमें से, म्यू नॉट बाय 2 आर पाई, पाई तो पाई कैंसिल ही हो गया, रादर कॉमन निकाल के ये टर्म बनेगी। मेडिकल के लोग देख लें, जीपी बन गई इनफाइनाइट जीपी, इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो रेशियो माइनस हाफ आएगी, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी माइनस हाफ आएगी। जीपी का इनफाइनाइट का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर यहां पर कितना है माइनस हाफ आंसर। तो जीपी का सम क्लियर है यहां तक, नॉन मेडिकल तो क्लियर ही है, जीपी क्लियर है यहां तक। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, एक क्यूब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, क्यूब तो उन्होंने लेके आना है, क्यूब है बैटरी से कनेक्टेड है, इस वायर का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना, सिर्फ इसका लेना है। तो आपको इस
इन करंट्स की वजह से सेंटर पे बी बताने क्या होगा। तो एक चीज देखो, ये एक ये वायर लो, एक ये वायर लो, ये मिड पॉइंट हो गया इन दोनों वायर्स का, सिमेट्री है, क्यूब है। तो इसकी वजह से बी कैसे है, इस तरफ है, इसकी वजह से बी कैसे है, इनसाइड है। तो इसकी वजह से आउटसाइड है, इसकी वजह से इनसाइड है, तो नेट इफेक्ट कैंसल। तो सारे डायगोनल करंट्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल, तो नेट इफेक्ट क्या जाएगा, जीरो। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो सफिशियंट है, इतना भी रिवाइज कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट।